ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसा। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां स नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम सब मायापुर धाम में आए हैं, नवदीप मायापुर। तो भगवत गीता में भी मायापुर धाम के बारे में बताया गया है। किन्हीं को पता है कहाँ भगवत गीता में मायापुर धाम के बारे में बताया गया? भगवत गीता के अंदर भी नवदीप धाम के बारे में बताया गया। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो जहाँ पर सूर्य प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश या किसी तरह की लाइट की आवश्यकता नहीं होती, और जो भी मेरे धाम को वापस आता है वो दोबारा लौटता नहीं। तो ये 15वें अध्याय का 7वां या 8वां श्लोक है, जहाँ पर भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान के बहुत सारे धाम हैं, और उन बहुत सारे धामों में 3 विशेष धाम हैं। एक है माधुर्य धाम, एक है ऐश्वर्य धाम और एक है औदार्य धाम। ऐश्वर्य धाम, माधुर्य धाम और औदार्य धाम। तो ऐश्वर्य धाम मतलब जहाँ भगवान बहुत ऐश्वर्यशाली रूप में रहते हैं। ऐश्वर्यशाली रूप मतलब भगवान वैकुंठपति के रूप में रहते हैं, है ना। तो जहाँ पर भगवान की बहुत ही एक आदर और सम्मान के साथ सेवा की जाती है ना। भगवान बहुत सारी प्रेयर्स होती हैं, है ना। और जहाँ उन मंदिरों में या उन धाम में हम जब प्रवेश करते हैं तो अपने आप ही हमें लगता है कि भगवान बहुत महान है, मैं बहुत तुच्छ हूँ, है ना। भगवान की ऐश्वर्यमय महिमा का गुणगान वहाँ किया जाता है। वो है वैकुंठ धाम। फिर है माधुर्य धाम। माधुर्य धाम मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ऐश्वर्य धाम है भगवान का ऑफिस और माधुर्य धाम है भगवान का घर, है ना। तो जिस तरह से ऑफिस में एक जो व्यक्ति होता है बहुत ही एक बहुत सारे सामाजिक रीति रिवाज, सोशल एटिकेट्स को फॉलो करता है, उसी तरह से भगवान भी क्या है, बहुत ऐश्वर्य में रहते हैं वैकुंठ में। माधुर्य धाम है भगवान का घर। जैसे घर में व्यक्ति बहुत कैजुअल रहता है, है ना, मिलना, हंसी मजाक करना, है ना। तो ये माधुर्य, माधुर्य धाम क्या है, वृंदावन, है ना, जहाँ भगवान अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, गायों के साथ, मोर के साथ अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। तो चाहे वो वैकुंठ धाम हो या वृंदावन धाम हो, दोनों धाम क्या है, उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक भगवान उदारतावश स्वयं प्रकट नहीं होते। तो वैकुंठ धाम है जहाँ भगवान अपने ऑफिस में है और भगवान सब देख रहे हैं। भगवान ने नियम बता दिए हैं, शास्त्र दे दिए हैं, जो उसको पालन करेगा वो उनके पास में आ जाएगा, भगवान ने ऐसा बता दिया। फिर जो माधुर्य धाम है, भगवान बताते हैं कि ये जो मेरे व्यक्तिगत लीलाएँ हैं वो इतनी मधुर हैं, भगवान उससे आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में बता तो दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम मृजा अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचि, कि मेरी शरण में आओ। लेकिन शरण में आए कैसे, शरण में आने का अर्थ क्या होता है? भगवान बोल रहे हैं आ जाओ मैं पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। भगवान ने पूरी भगवत गीता बता दिया, भागवतम में उनकी लीलाएं आ गई, सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया कि शरण और अलग अलग शरणागत भक्तों का जीवन भी बता दिया है, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, परीक्षित महाराज का, लेकिन कोई शरण लेने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवान ने पूरा गेट खोल दिया लेकिन हम गेट के अंदर प्रवेश ही करने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान उदारता बस अपना औदार्य रूप लेके आते हैं, वो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो बाकी भी जितने भी अवतार हैं उसमें लोग जो हैं या भक्त हैं भगवान के पास जाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार ऐसा है कि भगवान जो है लोगों के पास जाते हैं। ये क्या है, बहुत ही अद्भुत अवतार है। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ है जहाँ पर भगवान किसी के पास जाए। भगवान होते हैं, लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जाते हैं यात्रा में, तो चैतन्य महाप्रभु लोगों के हाथ पकड़ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु लोगों के पैर पकड़ रहे हैं कि कृष्ण नाम लो, कृष्ण भक्ति करो। तो ऐसे किसी अवतार में नहीं हुआ है। भगवान राम अवतार में भगवान राम ने क्या बोला कि अगर कोई मेरे पास एक बार शरणागत होता है और कहता है कि मैं आपका हूँ तो उसको मैं अभय प्रदान करूँगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या है, कोई शरण में आना चाहता है नहीं आना चाहता है, चैतन्य महाप्रभु उसके पास में जाता है। तो ये इसीलिए कलयुग में ये धाम जो है बहुत विशेष है, उसको बोलते हैं औदार्य धाम। औदार्य मतलब उदारता। उदारता किसे कहते हैं? उदारता मतलब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक किसी के लिए करना चाहे, जितनी उसकी सीमा है, जितनी उसकी लिमिट है, उससे भी अधिक कोई अगर कुछ कोई सामने वाले के लिए करना चाहे तो उसको बोलते हैं उदार व्यक्ति। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्या है, औदार्य, है ना, औदार्य धाम। तो ये नवद्वीप मायापुर क्या है, औदार्य धाम ऐसा। और बताया गया है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा बाकी सभी धामों का जो शक्ति है वो ढकता जाएगा, वो कवर होता जाएगा, है ना। वृंदावन है, द्वारिका है, तिरुपति बालाजी है, रामेश्वरम है, अलग अलग धाम है, उन सब का जो पोटेंसी है वो धीरे धीरे ढकता जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग, इतने योग्य लोग बचेंगे नहीं जो उन धामों को समझ पाएँ, उन धामों में प्रवेश कर पाएँ। लेकिन एक धाम जो है नवद्वीप मायापुर धाम, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे क्या है, उदारता है। चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की क्या है, कृपा है। तो इसकी वजह से इस धाम की जो महत्व है या इस धाम की जो पोटेंसी है कलयुग के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जो ये मायापुर धाम है ये स्वयं भगवान का घर है ना। चैतन्य महाप्रभु जो हैं कृष्ण के अवतार नहीं हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, कृष्ण है अवतारी। कृष्ण कौन है? अवतारी, सोर्स ऑफ इनकारनेशंस। भगवान राम, नरसिंह, वराह, कूर्म, ये है अवतार। तो कृष्ण है अवतारी और बाकी सब है अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु अवतारी है। तो इसीलिए कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, है ना। जैसे बताया था राधा कृष्ण दुई आत्मा एक देह धरी, कि राधा और कृष्ण दोनों एक हैं और दोनों मिल गए तो क्या हो गए, चैतन्य महाप्रभु मिल गए, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहि अन्य। चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण दोनों ये कंबाइन है। तो चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतारी है, वो भी सारे अवतारों के स्रोत हैं। तो इस और ये मायापुर धाम क्या है, तो जैसे कि अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो पूरा भगवान की सृष्टि है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है 2/3 और एक है 1/3। तो जो 2 तिहाई भाग है वो आध्यात्मिक जगत है और जो 1 तिहाई भाग है वो भौतिक जगत है। जैसे किसी एक नगर का निर्माण किया जाता है तो नगर में रहने वाले लोग कौन हैं, जो सरकार के नियमों को पालन करते हैं, और जो सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं वो भी सरकार के नियमों का एक दूसरी तरह से पालन करते हैं, जेल में रहकर। तो उसी तरह से जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पर सब भगवान के नियमों का पालन करते हैं, और जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं वो भगवान के नियमों का अप्रत्यक्ष रूप से पालन करते हैं दुर्गा देवी के माध्यम से, वो है ये भौतिक जगत। तो ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। 15वें अध्याय में बताया गया भगवद गीता में, ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदवे, कि जैसे कि एक वृक्ष है ना, किसी नदी किनारे या तालाब के किनारे एक वृक्ष है, और उस वृक्ष की परछाई कहाँ पड़ रही है? उस तालाब के अंदर पड़ रही है। ठीक है, तो उस वृक्ष में जो मूल वृक्ष है उसमें जो भी सब चीज़ें हैं वो सारी वस्तुएं कहाँ पर होंगी? उसकी परछाई में होगी, उसके प्रतिबिंब में होगी, और उस प्रतिबिंब में जो सब कुछ है वो उसके मूल में होगा। करेक्ट। तो आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है ये भौतिक जगत। तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में क्या है। कुछ लोग सोचते हैं, कई लोग पूछते हैं कि आप भक्ति क्यों कर रहे हैं? तो बोलते हैं मोक्ष के लिए। तो मोक्ष से क्या होगा? मोक्ष से बस मोक्ष मिल जाएगा, फिर क्या होगा पता ही नहीं, ब्लैंक, या कहीं जाके लीन हो जाएंगे, कोई ब्रह्म ज्योति उसमें जाके लीन हो जाएंगे। तो लोग, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि ये लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं, सुबह क्यों उठ रहे हैं, साधना क्यों कर रहे हैं, मंदिर क्यों जा रहे हैं, जिससे मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष का मतलब क्या होता है? कहीं जाके लीन हो जाना। तो वो जो ब्रह्म में जाके लीन होना है वो तो एक तरह से आत्महत्या है, स्पिरिचुअल सुसाइड है। तो वास्तव में जैसे कि उस पेड़ का प्रतिबिंब है उसी तरह से पेड़ भी है। तो उस प्रतिबिंब में जो जो दिखाई देगा वो उस पेड़ में भी दिखाई देगा। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ संबंध होते हैं, यहाँ पारिवारिक संबंध है। ठीक है, यहाँ पारिवारिक संबंध। तो आध्यात्मिक जगत में पारिवारिक संबंध होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। यहाँ पर घर हैं, गाँव हैं, नगर हैं, तो वहाँ पर गांव, नगर, शहर सब होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। यहाँ पे पशु हैं, पक्षी हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, तो वहाँ पर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो जो भी यहाँ पर है सब आध्यात्मिक जगत में। तो सबसे हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि आध्यात्मिक जगत में जो सब कुछ है वो सब अपने प्योर फॉर्म में है, वो अपने शुद्ध रूप में है और कभी नष्ट नहीं होता। यहाँ के संबंध क्या होते हैं? जिनके साथ हमारे संबंध हैं या तो वो हमको छोड़ के चले जाएंगे या हमको छोड़ के चले जाएंगे, और मृत्यु दोनों को सेपरेट कर देगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो संबंध होते हैं वो नित्य होते हैं। तो यहाँ इस भौतिक जगत में हम नित्यता को ढूंढ रहे हैं। इस भौतिक संसार में हम इटर्निटी को चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि जो भी चीज़ हो मेरे पास हमेशा रहे, जो भी व्यक्ति के साथ जो भी पारिवारिक संबंध है वो हमेशा मेरे साथ में हो। लेकिन क्या वो वस्तु हमेशा मेरे पास में रह पाती है, या वो जो पारिवारिक संबंध है मेरे साथ में हमेशा रह पाते हैं? नहीं रह पाते। लेकिन हमारे हृदय से इच्छा क्या है कि वो संबंध हमेशा हो। उसी तरह से, जैसे उदाहरण के लिए एक हिरण है, तो हिरण पानी को ढूंढ रहा है। कहाँ पर ढूंढ रहा है? रेगिस्तान में ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा है, वहाँ पर नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि पानी है ही नहीं, वो पानी को गलत जगह ढूंढ रहा है। तो इसी तरह से इस भौतिक जगत में हम अगर नित्य संबंधों को ढूंढ रहे हैं तो वो क्या है? जैसे कि एक हिरण है, रेगिस्तान में पानी को ढूंढ रहा है, तो पानी किसी दूसरी जगह मिलेगा। उसी तरह से जो नित्य संबंध हमको चाहिए, आध्यात्मिक संबंध चाहिए, वो सब कहाँ मिलेंगे? हमें आध्यात्मिक जगत में मिलेंगे। तो वहाँ किन्हीं भागवतम पढ़ा होगा, भागवतम के 3रे स्कंद में वैकुंठ का वर्णन है। वहाँ बताया गया कि वैकुंठवासी प्लेन में जा रहे हैं, बड़े बड़े नगर हैं वहाँ पर, वहाँ पर वृक्ष हैं, वहाँ पर मोर हैं, वहाँ पर तालाब हैं, वहाँ पर नदियाँ हैं, बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन सब वहाँ पति पत्नी के भी संबंध हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। जैसा यहाँ पर है वैसा ही वहाँ पर है, लेकिन सब क्या है? भगवान की सेवा कर रहे हैं। वहाँ प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि पति पत्नी एक वैकुंठ विमान में जा रहे हैं, वैकुंठ में घूम रहे हैं। तो पति पत्नी एक दूसरे से आकर्षित नहीं है, वो दोनों भगवान जो वैकुंठ पति हैं उनकी सेवा से उनका बहुत ज़्यादा आकर्षण है। तो सब कुछ वहाँ पर वैसे ही है जैसे यहाँ पर है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में, शुद्ध रूप में। तो यहाँ मायापुर में भी ऐसा है, सब प्योर फॉर्म में है, लेकिन हमारी आँखों को वो दिखेगा नहीं, हमारी आँखों को किसने ढक के रखा है? प्रौढ़ माया, इसको बोलते हैं प्रौढ़। प्रौढ़ मतलब वृद्ध, ये प्रौढ़ मतलब एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। तो जो माया देवी है या योग माया या प्रौढ़ माया हमारी आँखों को ढक के रखती है, क्योंकि जो अनअधिकारी लोग हैं उस धाम को ना देख सकें। तो हमारे आँखों के सामने भी क्या हो जाता है? पर्दा लगा दिया जाता है, इसीलिए हमें वो धाम दिखाई नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए कि एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये रोड है, हम जिस बस से आए उसको भक्ति सिद्धांत मार्ग बोलते हैं, तो वहाँ उस मार्ग पे वो चल रहे थे सुबह सुबह, और उनके शिष्य जो है वो भी साथ में चल रहे थे। तो एक पास में कुछ नाला आता है जहाँ से पानी बह रहा था, तो जब वो उस नाले के पास से जाते हैं तो उनके कुछ शिष्य होते हैं वो ऐसे बंद कर लेते हैं कि बहुत वैसे बैड स्मेल आ रही। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि क्योंकि आपकी जड़ इंद्रियां है इसीलिए आपको जो गंदी स्मेल है वही यहाँ पे दिखेगी, आपको यहाँ जो दिव्य धाम की जो सुगंध है, दिव्य धाम की जो दृष्टि है वो दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आप अभी भी धाम में रहकर धाम को एंजॉय करना चाहते हैं, अभी भी धाम में रहकर धाम में अपने कंफर्ट को आप देख रहे हैं, इसीलिए आपको धाम में ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हम देखते हैं, ऐसे कृष्णा बुक पढ़ते हैं तो कृष्णा बुक में देखते हैं कि वृंदावन कितना सुंदर है, कितना मधुर है और कितनी सारी चीज़ें हैं। और जब वृंदावन शहर में जाते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम मिलता है, सुअर मिलते हैं, नालियाँ मिलती हैं। तो हम सोचते हैं कृष्णा बुक में जो लिखा है और जो वृंदावन में है वो तो कहीं मैच ही नहीं खा रहा, बिल्कुल अपोजिट है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो प्रौढ़ माया है, उसने ढक लिया। अभी हम देखेंगे उससे कैसे निकले। तो जो पूरा संसार है भगवान का राज्य है, लेकिन धाम जो है भगवान का घर है। तो किसी राजा के राज्य में हम थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन राजा के घर में जाके कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो वो नहीं चलेगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, मोदी हैं, तो अभी भारत में हम कुछ भी करेंगे, है ना, कुछ चोरी कर लिया पता नहीं चलेगा, इधर उधर कुछ पैसे इधर उधर कर लिए पता नहीं चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री भवन में जाकर कुछ उल्टा पुल्टा करना चालू कर दिया तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो भोपाल में रह के थोड़ा बहुत भोग कर लिया, थोड़ी भक्ति कर ली, फिर भोग कर लिया, थोड़ा भक्ति कर लिया, तो वो चल जाएगा। लेकिन भगवान का जो घर है उसमें ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान का व्यक्तिगत घर में तो जैसे जिस तरह से भगवान चाहते हैं, जिस तरह से भगवान अपने घर में रहते हैं, उस तरह से हमें रहना सीखना होगा। तो इसीलिए यहाँ का सब चिदानंदमय है, यहाँ का पानी है, यहाँ का प्रसाद है, यहाँ की हवा है। जैसे एक बार गुरु महाराज यहाँ मायापुर धाम में आए थे और हम लोग महाराज के साथ ऐसे कुछ दर्शन करने गए थे, तो नाव में बैठते हैं और महाराज नाव में बैठने के पश्चात कोई पूछते हैं कि महाराज ये नवदीप धाम की क्या महिमा है, आप महिमा बताएंगे? तो महाराज ऐसे आंखें बंद करते हैं, महाराज ऐसे करते हैं, महाराज बोलते हैं कि यहाँ से, यहाँ पर श्वास लेने पर भी भक्ति में प्रगति होती है, यहाँ की जो हवा है वो भी क्या स्पिरिचुअल है। अगर आप यहाँ का सांस ले रहे हैं, यहाँ पे आप पानी पी रहे हैं, यहाँ पे कुछ अन्न ले रहे हैं, तो उससे भी आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, है ना। तो यहाँ का जो हवा है, यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो अन्न है, वो सब क्या स्पिरिचुअल है। तो ऐसा नहीं कि हम गीता भवन के एक रूम में रुके हैं, कैसा भी पानी वेस्ट कर रहे हैं, हम प्रसाद ले रहे हैं उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, वो ये साधारण पानी नहीं है, ये साधारण भोजन नहीं है, ये साधारण मिट्टी नहीं है, ये सब क्या है? चिदानंद में, सच्चिदानंद है। तो उस चीज़ को हम बहुत केयरफुल रहें, बहुत उसके लिए सावधान रहें। तो फैसिलिटी से बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें कि ये कमी है, मेरे रूम में पंखा नहीं है, मेरा रूममेट अच्छा नहीं है या मतलब बहुत सारी अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। ध्यान इस पे दें कि हम अच्छी तरह से भजन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, अच्छी तरह सेवा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर हम फैसिलिटीज़ भी ध्यान देंगे कि वहाँ पर वाटर कूलर है, वहाँ पर गीज़र है, वहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, वही चलता रहेगा तो वो तो भोपाल में ही सब फैसिलिटी थी, फिर यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं था। तो ठीक है, इतना हमें फैसिलिटी भी ध्यान देना है कि शरीर, उस शरीर से हम भक्ति कर पाएँ, लेकिन पूरा उसी के बारे में हमें चिंतन नहीं करना। तो कभी कभी प्रसाद भी लेट हो सकता है, कभी कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो कोई बात नहीं। भगवान अपने धाम में, अपने घर में हमें जिस तरह से रखना चाहते हैं उस तरह से हम रहेंगे। फिर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप वृंदावन जो है ट्रेन टिकट काट के नहीं जा सकते, आप धाम में ट्रेन टिकट से नहीं जा सकते, है ना। किसी ने ट्रेन बुक कराया वृंदावन के लिए, किसी ने मायापुर के लिए हावड़ा आया, इतना मेहनत करके एक दिन ट्रेन की जर्नी, फिर लोकल ट्रेन से आया, फिर गंगा नदी पार करके आया, है ना। या कोई, महाराज एक लेक्चर में बताते हैं कि कोई एरोप्लेन से आया, पैराशूट से नीचे उतरा, है ना। कोई पैराशूट से, कोई ट्रेन से, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, कोई कार से, इन सब चीज़ों से मायापुर धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। और हम देखेंगे कि मायापुर वेस्ट बंगाल का एक भाग है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी है, उस पोस्ट ऑफिस का भी पिन कोड नंबर है, और बंगाल का मैप देखेंगे तो वहाँ भी मायापुर है। तो ये सब भौतिक विज़न है कि मायापुर बंगाल का भाग है, बंगाल का भाग नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ऐसे वृंदावन यूपी का भाग नहीं है, या मायापुर बंगाल का भाग नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत है। तो केवल भौतिक सुविधाओं से हम मायापुर धाम में नहीं आ सकते, है ना। तो ये धाम जो दर्शन हम करते हैं वो इस तरह से है जैसे कि हम अपनी जो पूर्व स्मृति है उसको दोबारा वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है अपने घर गया, है ना, कोई व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के पश्चात उसकी स्मृति चली गई, उसकी याददाश्त चली गई, उसको मेमोरी लॉस हो गया, अब इसको कुछ याद नहीं आ रहा, कौन इसके माता पिता हैं, कौन बच्चे हैं, कौन घर वाले हैं, कुछ भी याद नहीं आ रहा उसे, उसका एक्सीडेंट हो गया। अभी उसकी जो स्मृति है उसको दोबारा वापस लाना है तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसकी याददाश्त खो गई और अभी उसी याददाश्त को वापस लाना है तो क्या करते हैं, कई दवाइयाँ दी जाती हैं, बहुत सारी थेरेपी दी जाती है, और उसको उसकी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये तुम्हारा रूम है, ये तुम्हारा बेडरूम है, ये तुम्हारा ड्राइंग रूम है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारी पत्नी है ना, ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो जब अपने बच्चों को देखता है तो सोचता है अच्छा मेरे बच्चे हैं, हाँ लग तो रहे लेकिन एकदम से याद नहीं आ रहा है मेरे बच्चे, अच्छा ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता हैं, तो विचार करता है अच्छा अच्छा हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा। तो जो घर में रहना, घर वालों को पहचानना जो उसके लिए इतना स्वाभाविक था वो अब इतना अस्वाभाविक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। अभी घर वालों को पहचानना कोई, हम ऐसे थोड़े कुछ प्रयास थोड़ी करते हैं कि सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज मैं कहाँ सोया था, कल रात में मैं कहाँ सोया था, या जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ तो उससे थोड़ी देखते हैं ये कौन है, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो ऐसा तो विचार नहीं करते, ये तो हमारे लिए बहुत स्वाभाविक चीज़ है, इसको तो हम ध्यान भी नहीं देते, करेक्ट। तो भगवान के धाम में रहना हमारे लिए इतना अधिक स्वाभाविक है, इतना अधिक स्वाभाविक है, लेकिन हमारा इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया है कि अभी वो अस्वाभाविक हो गया है ना। भगवान के धाम में रहना या भगवान की भक्ति करना वो हमारे लिए क्या अस्वाभाविक हो गया। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी ये तो भक्ति बहुत आर्टिफिशियल चीज़ है, सुबह उठ को जप करो, फिर प्रसाद लो, फिर कीर्तन करो, सेवा करो, आप तो बार बार मन में किसी चीज़ को डाल रहे हैं। अभी किसी चीज़ को मन में बार बार डालते रहेंगे तो व्यक्ति वैसे ही हो जाएगा। जैसे लोग बोलते हैं ना ब्रेन वॉश कर देते हैं, बार बार दिमाग में कुछ डाल डाल के कुछ ना कुछ करके उसके मन में भर देते हैं कि भक्ति करना है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। आप इतनी अधिक कृत्रिम अवस्था में पहुंच गए हैं, आप इतने ज़्यादा मानसिक बीमारी की अवस्था में पहुंच गए हैं कि स्वाभाविक चीज़ करना आपको आर्टिफिशियल लगा। तो जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना होए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। कि जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है सबके हृदय में है, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, कहीं से बाहर लाने की चीज़ नहीं है, ऑलरेडी सबके हृदय में है, उसको बस साफ करना है। तो जिस तरह से एक मानसिक बीमार व्यक्ति को अपना घर दिखाया जाता है और उसको चीज़ों को स्मरण दिलाया जाता है, उसी तरह से ये यात्रा है। तो हम भी क्या है, मानसिक रूप से सब बीमार हैं, हम भी क्या है, हमारा भी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे हो गया है ना, पिशाची पाइला मति जोई छन्न होए मायाग्रस्त तार भाग्योदय। कि हमारे पिशाची ने पकड़ लिया है, पिशाची पाइला मति जोई छन्न होए, कि माया ने, पिशाची ने हमें पकड़ लिया और माया और पिशाची ने पकड़ के हम पूरी तरह से मायाग्रस्त हो गए। तो ये धाम यात्रा जो होती है हमें इस चीज़ को स्मरण दिलाने के लिए होती है कि हमारा वास्तव में घर कहाँ है, हमारे वास्तव में संबंधी कौन है। तो ये सब याद दिलाने के लिए हम यहाँ पर मायापुर धाम में आए हैं। फिर तो ये धाम की कुछ महिमा है, और फिर धाम अपराध। तो 10 तरह के धाम अपराध होते हैं, हम संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। कि धाम को भौतिक जगत का भाग समझना, कि धाम क्या है, एक भौतिक जगत का भाग है। धाम को मापने का प्रयास करना है ना, धाम को उसको मापने का प्रयास करना, धाम वासियों के साथ दुर्व्यवहार करना, धाम वासी हैं है ना, या जो भी धाम यात्रा करने हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करना। और जो धाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं, जो शास्त्र बता रहे हैं या जो गुरु बता रहे हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना, कि ये तो बहुत अतिशयोक्ति है, ऐसा थोड़ी होता है। तो जहाँ पर धाम की महिमा के बारे में जिन शास्त्रों में बताया गया है या जो गुरु बता रहे हैं उनका डिसरिस्पेक्ट करना। और धाम में रहकर कुछ भौतिक गतिविधियाँ करना, धाम में रहकर अपना बिजनेस चालू करना, धाम में रहकर कई लोग करते हैं ऐसा। अभी हम देखते हैं वृंदावन में रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है वो बहुत सबसे आगे है। लोग बिल्डिंग बनाते हैं और बेचते हैं, प्लॉट लेते हैं बेचते हैं। तो धाम को यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए है ना। तो धाम को उपयोग करना अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और एक और था, धाम में रहकर 4 नियमों को तोड़ना, धाम में रहकर 4 नियमों को तोड़ना, ये भी एक धाम अपराध है ना। तो यस, जो 4 नियम है उसको हमें कड़ाई से धाम में हमें पालन करना। तो जैसे धाम है, यहाँ भक्ति करने से हमें 1000 गुना फ़ायदा हो सकता है। अगर हमने कुछ अपराध किया तो 1000 गुना हम नीचे भी जा सकते हैं है ना। तो इसीलिए इसमें हमें सावधानी पूर्वक रहना है। फिर प्रभुपाद जी और एक मीनिंग बताते हैं, धाम मतलब क्या, बहुत अच्छा मीनिंग है, इसके ऊपर हम बाद में भी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जहाँ पर भी 3 चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर धाम, जहाँ पर भी 3 वस्तुएं नहीं हैं वहाँ धाम। पहला, किसी भी तरह का द्वेष नहीं है, किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं है, और किसी तरह की भौतिक इच्छाएं नहीं है। अगर भक्तों के बीच में ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो वो ही धाम बन जाता है। नो पॉलिटिक्स, नो एनवियसनेस, नो मटेरियल डिज़ायर। तो हम देखते हैं कि सब में ये अनर्थ कुछ ना कुछ होते हैं। द्वेष करने की प्रवृत्ति होती है, भौतिक इच्छा होती है, कुछ पॉलिटिक्स होती है। तो जो इन तीनों चीज़ों से मुक्त है, हो सकता है जैसे प्रभुपाद जी अपने चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं, है ना। वो वृंदावन किस लिए जाते हैं? अपने कुछ फ़ायदे के लिए, भगवान का भोग करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कंस ने बहुत सारे राक्षसों को वृंदावन में भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, पूतना को भेजा, तृणावर्त को भेजा। ये किस लिए भेजा? धाम यात्रा करने के लिए भेजा कि जाओ वृंदावन घूम के आओ। इसलिए भेजा था, किस लिए भेजा था? कृष्ण को मार के आओ। ठीक है, तो अगर कोई पूतना, अघासुर, बकासुर इनकी वृत्ति से धाम में आता है, इनकी वृत्ति से कैसे आएगा? अभी वो कृष्ण को मारेगा तो नहीं, वो कृष्ण की जगह का भोग करना चाहे, एंजॉय करना चाहे। तो उसका धाम विजिट कैसा है? जैसे पूतना का वृंदावन में विजिट। अक्रूर जी भी वृंदावन गए थे और पूतना, अघासुर, बकासुर वो भी वृंदावन गए थे, लेकिन दोनों में अंतर है। अक्रूर जी जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अक्रूर जी अपने रथ से जाते हैं और भगवान के चरणों को रास्ते में देखते हैं तो उतर जाते हैं वहाँ से, और जहाँ जहाँ चरण है वहाँ देखते 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 फिर वहाँ अंत में पहुँचते हैं। और एक राक्षस हैं जो भगवान के धाम में जाते हैं। तो अब हम भगवान के धाम में कैसे आए हैं, मायापुर में कैसे आए हैं? अक्रूर जी की तरह आए हैं या पूतना की तरह आए हैं? अगर पूतना की तरह आए हैं तो धाम में भी एंजॉय करना चाहिए, है ना। और अब अक्रूर जी की तरह आए हैं तो फिर सेवा भाव से आएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भक्तों के बीच में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स, किसी भी तरह की द्वेष और किसी भी तरह की भौतिक इच्छा, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल खत्म होना चाहिए, तब वो जगह अपने आप में धाम बन जाती। तो ये धाम महात्म्य और धाम अपराध। अभी ये नवद्वीप धाम आए कैसे? आधुनिक समय में जो हम धाम देखते हैं वो कैसे आए? तो हम देखते हैं कि जो ये गंगा नदी जो है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में जाती है, तो यहाँ समय समय पर बाढ़ आती रहती है। बिहार में, बिहार से कोई यहाँ पर तो बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने से कभी कभी गंगा नदी जो है अपना डायरेक्शन भी चेंज करती है। तो जब इस क्षेत्र में बाढ़ आई, यहाँ पर नवद्वीप क्षेत्र में बाढ़ आया और गंगा नदी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, तो उसके पश्चात मायापुर कहाँ है, नवद्वीप कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता था। ये मायापुर नवद्वीप पूरी तरह से ढक गया था, पूरी तरह से एक तरह से भौतिक दृष्टि से नष्ट हो गया था। जैसे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से पहले वृंदावन धाम पूरा नष्ट हो गया था। उसको किसने रिवाइव किया? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भेजा और उन्होंने उस वृंदावन को दोबारा प्रकट किया। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब वृंदावन गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर रासलीला हुई है, यहाँ पर भगवान का नंदग्राम है, यहाँ पर बरसाना है, यहाँ पर वृंदावन, हर चीज़ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को दिख रही थी, दिव्य दृष्टि से देख पा रहे थे। और फिर उन्होंने वृंदावन की 12 वनों की स्थापना की। इसीलिए हम बोलते हैं जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का गिफ्ट है वृंदावन। तो इसी तरह से जो मायापुर जो गिफ्ट है वो किसका है? भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर से पहले करीब 150 से 200 साल तक मायापुर धाम पूरी तरह से ढक गया था गंगा नदी के प्रभाव से और कलयुग के प्रभाव से। तो कैसे इस मायापुर धाम को रिवाइव किया जाए, क्योंकि ये औदार्य धाम, ये एक तरह से वृंदावन एक धाम अपराध है कि मायापुर और वृंदावन को अलग अलग समझना, ये भी एक धाम अपराध है। लेकिन यस, मायापुर और वृंदावन दोनों एक ही है, लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों के लिए वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या है? मायापुर। क्योंकि वृंदावन में प्रवेश मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मायापुर में प्रवेश मिल जाएगा, क्योंकि ये औदार्य धाम। चैतन्य महाप्रभु पात्रा पात्र विचारने, चैतन्य महाप्रभु ने देखते हैं कि ये योग्य है या योग्य नहीं है। अगर चैतन्य महाप्रभु ने योग्यता देखना चालू कर दिया तो हम सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, हमें से कोई बचेगा ही नहीं।